महामारी के बाद भारतीय सिनेमा काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इंडस्ट्री में हिट फिल्मों में कमी आई, हालांकि कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की भारी सफलता ने फिल्म जगत को राहत जरूर दी है, लेकिन इसके बीच कुछ फिल्में ऐसी भी थी जो मोटा प्रॉफिट कमाने में कामयाब रही। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्री में बॉलीवुड नहीं बल्कि कन्नड़ है। जब आप 2 सालों में बड़ी हिट फिल्मों के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं, तो आपके दिमाग में RRR और पठान का नाम सामने आएगा। ये 2 फिल्में 2 कैलेंडर वर्षों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में हैं, लेकिन जब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात आती है तो एक कन्नड़ ब्लॉकबस्टर ने उन्हें बौना बना दिया। वह फिल्म यश टारर KGF चैप्टर 2 है। DNA के रिपोर्ट के अनुसार पठान, जिसने दुनिया भर में 1,050 करोड़ रुपए कमाए, निर्माताओं को लगभग 600 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। इसकी तुलना में RRR, जिसने वर्ल्ड वाइड 1,200 करोड़ रुपए बटोरे, उनको सिर्फ 600 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट पहुंचा है। इसकी तुलना में KGF चैप्टर 2 की 1200 करोड़ रुपए की कमाई की और उनको 900 करोड़ रुपए का अधिक प्रॉफिट पहुंचा है। इस चौंका देने वाले आंकड़े की वजह ये है कि KGF चैप्टर 2 का बजट इन दोनों फिल्मों से काफी कम था। RRR लगभग 500 करोड़ रुपए में बनी थी। पठान को बनाने में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन KGF चैप्टर 2 की लागत सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए के आसपास थी, जिसका मतलब है कि इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ। जबकि KGF चैप्टर 2 ने बम्पर कमाई की, फिर भी आमिर खान की दंगल से काफी दूर नजर आती है। दंगल ने दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि ये सिर्फ 100 करोड़ की लागत में बनाई गई थी। फिल्म ने करीब 1500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। SS राजामौली की बाहुबली 2 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लाभ कमाने में एकमात्र अन्य भारतीय फिल्म है। वैसे कि आप इसके बारे में जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।